द मर्सिडीज बेंज CLR एक ऐसी कार जो कि एक नहीं तीन बार सेम ट्रैक पर हवा में फ्लिप हो गई। मर्सिडीज ने अपने इन हाउस ट्यूनिंग डिवीजन AMG के साथ मिलकर CLR को डेवलप किया और ऐसी तीन CLR 1999 की 24 आवर्स ऑफ लेमान की LMGTP क्लास में कॉम्पीट करने वाली थी। बट रेस से पहले क्वालिफाइंग सेशन में कार नंबर 4 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहली बार हवा में फ्लिप हो गई, लेकिन ये एक्सीडेंट कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। इसके बाद प्री रेस वार्म अप सेशन में कार नंबर 4 सेकंड टाइम फ्लिप हो गई, लेकिन इस बार इस कार को रेस से बाहर कर दिया गया और मर्सिडीज ने अपनी रिमेनिंग 2 कार्स के साथ रेस कंटिन्यू रखी। लेकिन रेस के लैप नंबर 75 में एक और CLR कार के फ्रंट में लेस डाउन फोर्स की वजह से एक बार फिर से एयरबॉर्न हो गई और ट्रैक की दूसरी साइड पेड़ों में जाके क्रैश हो गई। इन तीन मेजर एक्सीडेंट्स के बाद मर्सिडीज ने अपनी रिमेनिंग कार को भी रेस से बाहर ले लिया और 1999 की लेमान रेस से बोरिया बिस्तर समेट के चली गई।